कि मैं अल्टरनेटिव फ्यूल पर बहुत काम करता हूं। 2004 से कोशिश करते रहता हूं कि पेट्रोल डीजल का पर्याय मिले, और मुझे खुशी है कि आज सब बातों को सिद्ध हुआ है। मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। जापान में टोयोटा की गाड़ी है, मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा कि ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने में नॉर्थ ईस्ट और आसाम ने आगे आना चाहिए, और ये हाइड्रोजन से फैक्ट्री इंडस्ट्री चलेगी, ट्रक चलेंगी, बसेस चलेंगी, हवाई जहाज चलेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला है, हमारा देश ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने, ये बात मैंने उनको कही। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मेरे पास टोयोटा की इनोवा गाड़ी है जो 100% फ्लेक्स इंजन पे चलती है, 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, और अभी सुजुकी और बाकी भी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन की आ रही है। ये जो गाड़ी है इसमें 100% बायो इथेनॉल, जो कट राइस, जो ब्रोकन राइस, कॉर्न, बाम्बू, राइस स्ट्रॉ, मोलाइसिस, शुगर केन जूस से बनता है, उस इथेनॉल से ये गाड़ी चलती है। 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव है 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का भाव है 60 रुपए लीटर, तो ये अगर एवरेज पकड़ा जाए पेट्रोल की तुलना में तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि इथेनॉल की इकोनॉमी को बढ़ाइए। आसाम पेट्रोलियम 800 टन मिथेनॉल बनाती है। मैं अब पहली बार, अब जब पिछले बार आया था तो ये प्रयोग नहीं हुआ था, पर अभी बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने अपने डीजल बसेस में 15% मिथेनॉल डाला है। मिथेनॉल का रेट है 25 रुपए लीटर और डीजल का रेट है 110 रुपए लीटर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आसाम का प्रदूषण भी कम होगा, डीजल भी सस्ता हो जाएगा, और ये 15% मिथेनॉल आसाम के बसेस में, ट्रक में, जहां जहां डीजल यूज होता वहां डाला गया, तो डीजल सस्ता होगा और देश में सबसे सस्ता डीजल आसाम के लोगों को मिलेगा। ये भी प्रयोग आप शुरू करिए।